व्हाट्स अप एवरीवन। सो आज है 27th ऑफ दिसंबर, साल ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है एंड अभी मैं रनिंग कर रहा हूँ और रनिंग ऑल्टरनेट डेज पर आजकल हो रही है और उसकी वजह से साइकिल में सो रही है। बट ये भी ज़रूरी है, रीज़न क्या है कि हमारे जो माता पिता हैं आजकल या हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उन सबको ऑलमोस्ट शुगर, बीपी, थायराइड, इन सब की दिक्कत हो रही है। तो मैं मॉम को खास कर इधर लेकर आता हूँ कि भाई आप वॉक करो और मैं रनिंग कर लूँगा। तो यही मकसद है मेरा रनिंग का, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने बड़ों की सेहत का भी हमें ख्याल रखना है अपने साथ साथ। तो अभी इसके बाद चलेंगे वो बाईसाइकिल लाइट कंपैरिजन करने, उससे पहले मैं रनिंग कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो अभी हम निकल चुके हैं कंपैरिजन करने के लिए कि जो मैंने लाइट खरीदी है और एक मेरे सर हैं ऑफिस में, सीनियर थे वो मेरे, उन्होंने कहा भाई एक बार आ जा, खुद देख लियो कि किसकी अच्छी है। सो मैंने कहा चलो एक कंपैरिजन वीडियो हो जाएगा और आप लोगों के लिए भी हो जाएगा कि अगर आपको कोई लाइट ख़रीदनी है, क्योंकि प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, वहाँ चल के बताता हूँ। एंड अभी इतनी ठंड नहीं है, मतलब जिस हिसाब से मौसम है उस हिसाब से अभी ठंड पड़ नहीं रही है और साइकिलिंग करके वैसी थोड़ी गर्मी भी आ जाती है। मुझे तो अपनी साइकिल की ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा लग रही है अभी फ़िलहाल, एक तो अंधेरा है और साइकिल के हिसाब से ये इनफ है। अब वो सर कह रहे हैं मेरी इससे भी ज़्यादा है, तो देखते हैं वो सच में ज़्यादा है यही ज़्यादा है, वहाँ चल के कंपेरिजन करते हैं। सो हम आ चुके हैं एंड ये रहे मेरे सर, रिस्पेक्टेड सर। सो मैं इनके साथ ऑफिस में काम करता, अब क्वालिटी चेक में थे ना, क्वालिटी चेक में था, इंग्लिश ठीक ठाक बोल लेता था ना मैं। हाँ, लोगों को ये ना लगे गवार है। नहीं नहीं, जो देखो जो काम करते हैं ना हम लोग, वो वाली इंग्लिश तो वैसी हर दिन तो एक ही बात करनी है भाई, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है ना, तो वो तो वैसी आदत हो जाती है, क्यों झूठ बोलना किसी से। तो ये है इनकी साइकिल, पीछे खड़ी है, ये है हीरो स्प्रिंट थॉर्न, सही बात है, सही बात है। सो अभी मैं पहुंच गया हूँ और यहाँ पर एक और फ्रेंड आ रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं हम। थोड़ा सा अंधेरे में चल के हम देखेंगे कि लाइट किसकी ज्यादा ब्राइट है। आपने वैसे, आपके हिसाब से मेरी वाली लाइट तो आपने अभी देखी, आपकी ब्राइट है, मेरी ब्राइट है, चेक कर लेते हैं। ठीक है चलो चेक कर लेते हैं। सो पीछे जो बैकग्राउंड है वो पूरा डार्क है, साइकिल्स वहाँ खड़ी है, अगर वो ये उल्टा ये दिख रहे हैं सर आपको, तो यहाँ पर अभी हम कंपैरिजन करेंगे और आपको दिखाएंगे, लेट्स गो। तो यहाँ अभी मैं अपनी बाईसाइकिल की लाइट ऑन करके दिखाता हूँ आपको, आप बताना और मैं भी देखता हूँ किसकी ब्राइट है ज़्यादा। सो मेरी फर्स्ट ये ब्राइट पर ही स्टार्ट होती है, हाई बीम है ये इसकी, आप देख सकते हैं। अब देखते हैं दूसरी वाली की। सो ये है सर की साइकिल की लाइट, फ्रंट लाइट जो अभी हम ऑन करेंगे। ओ सच में ये तो ब्राइट है यार, खतरनाक ब्राइट है ये तो। थ्रो कितना आगे तक है सर इसका, मजेदार। मैं डेंसिटी चेक नहीं की लेकिन काफी लंबा है। हाँ, नहीं बहुत अच्छा। अब साथ में मैं अपनी साइकिल की लाइट भी ऑन करता हूँ, ये देखिए। सो फर्क साफ है, अभी एक बार बंद करना अपनी, मुझे टाइम लगेगा। कोई नहीं। ये देखो ये मेरी है और ये जो रेडियस कवर कर रही है वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से ज़्यादा है, या फिर मेरी लाइट थोड़ी ज़्यादा नीचे है, आई गेस। हाँ लाइट नीचे है। और अब मैं अपनी बंद करके फिर सर की ऑन लाइट करते हैं। हाँ जी, नो डाउट दिस लाइट विंस। सो विदाउट एनी डाउट सर की लाइट सही में फ्रंट वाली बहुत ब्राइट है। अब एक मैं भी खरीदूंगा ये, वो ग्रीन वाली हटा दूंगा, जो एक मेरी ग्रीन लगी है उसकी जगह ये लगाऊंगा, ऐसी शौक है मुझे रोशनी। और अभी इसके थोड़े से फीचर्स हैं जो वो अभी सर बताएंगे, देख लेते हैं क्या क्या है। अगर आप कंसीडर कर रहे हैं इसको खरीदने का तो आपको पता होना चाहिए। सो देख लेते हैं। हाँ जी बताओ क्या क्या है इसमें।
रेगुलर मोड्स की तरह। अच्छा, जो है हाई बीम है। ओके, जो आपको मेन लाइट देती है। ठीक ठीक ठीक। उसके बाद इसी में ही लो बीम आती है। ओके, थोड़ी सी डल हो जाती है लेकिन अपना जो फ्लो है, जो कर्व है वो रहता है। ओके, इसके बाद आती है मेरे पास फ्लैश। ओके, जिसको लोग स्ट्रोब भी कहते हैं। तो स्ट्रोब लाइट में हाई बीम पे जो स्ट्रोब लाइट है वो चलती है। और लास्ट है इसमें फॉग लाइट। ओके, बहुत डिम लगती है लेकिन फॉग पे बहुत ब्राइट जलती है। ओके, अगर आपके सामने से कोई आता है तो बहुत क्लियरली उसका रिफ्लेक्शन ले सकता है। ये तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्योंकि फॉग लाइट ऐसे आना इज लाइक बहुत यूजफुल फीचर है। और इसके अलावा भी है कुछ? जी, अगर आप सामने देखो। अच्छा, जहाँ भी ये बटन है एक्टिव इनएक्टिव करने के लिए, उसी के साथ में ये जो चार लाइट दिख रही है ये आपका बैटरी का लिमिटेशन बताता है। वेरी नाइस। तो ये अभी फिलहाल 100% पे है। ओके, जैसे ही एक एक करके लाइट्स ऑफ होंगी तो 25% हाँ लाइट के साथ कम होता चला जाएगा। ओके, सो जब चार्ज करते हैं तो भी ये ऐसी मतलब आता है? नहीं, जब ये चार्ज होता है तो ये बिल्कुल ऑफ रहता है। ओके, जब ये 100% चार्ज हो जाता है तो ये बिल्कुल ऐसे दिखता है। ओके, ये भी अच्छा इंडिकेशन है एक। करेक्ट। इसके अलावा? इसके अलावा अगर आप कंटीन्यूअस प्रेस करते हो इस लाइट के बटन को। अच्छा, तो यू हैव दिस। अरे बाबा, कितना कुछ है एक लाइट में। नहीं सीरियसली, वर्थ बाइंग है। अभी प्राइस और पूछ लेते हैं फिर देखते हैं। ये तो बहुत ही सही है यार, काफी सही चीज है ये। सो लाइट में इतने सारे फीचर्स हैं। एक फ्रंट लाइट के हिसाब से अगर देखूं तो मुझे लगता है कि ये फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे मेरे पास है फोन होल्डर है, उसमें पावर बैंक है, ठीक है। बट लाइट के ही अगर हम एक पर्सपेक्टिव से देखें तो ये ज्यादा यूजफुल है, इसमें सब कुछ है। Correct. तो अब इसका आप प्राइस भी बता दें, कितने में आपने खरीदी थी, कहां से खरीदी थी, और कंपनी का अगर नाम आपको पता है तो वो भी बता दें। हम डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक जरूर डालेंगे। कंपनी का नाम था शिवेक्स। Okay. और ये सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट अवेलेबल है। जब मैंने इसे परचेज किया था आपसे 3 महीने पहले तो Okay. मुझे ये पड़ी थी तकरीबन 700 कुछ रुपए की। अच्छा, फिलहाल अभी फॉर्चुनेटली क्योंकि एंड ऑफ ईयर सेल चल रहा है फ्लिपकार्ट में, तो आपको इसमें कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं लगेंगे। ओके, अगेन जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है चार्जेबल हो। ठीक, लेकिन 700 रुपए तक में आ जाएगी। 700 में आ जाएगी। अभी प्रेजेंटली उस पे 675 या 670 का प्राइस है। वेरी नाइस। अब जो मैंने ली थी, मैंने शायद लास्ट में प्राइस नहीं बताया था, क्योंकि जब मैं अरुण भाई के पास गया था तो उन्होंने कहा था प्राइस अभी रिवाइज हुए हैं। तो साहिल को शायद 1000 की दी थी और मुझे ये 750 में मिली थी, क्योंकि उन्होंने कहा था नए प्राइस आए हैं। तो जो प्राइस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो 750 और 700 में ये लाइट, मैं कहूंगा यही वाली 700 वाली शिवेक्स की। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। एक बार चेहरा तो दिखा दो सर जी, दूर हो जाता हूँ मैं। नहीं नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल सबको सेफ रहना है। मास्क तो हम भी लगाते ही हैं ज्यादातर, बट राइड करते वक्त मैं उतार देता हूँ। बिकॉज मेरे साथ तो ऐसा होता है कि वही मेरे को लगता है जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो उसे वापस क्यों लेना। और मेरे साथ हुआ था जब रेगुलर राइड कर रहा था, थोड़ा ब्रीदिंग इशू भी आने लग गया था, तो इसलिए। बाकी अभी एक और फ्रेंड आ रहा है, उससे मिलते हैं। और एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इस बाइसाइकिल के साथ कैसा एक्सपीरियंस है? बाइसाइकिल मुझे लेते हुए 1 साल हो चुका है इस चलाते। अच्छा, टचवुड ऐसे मेजर कोई चैलेंजेस नहीं आए, इश्यूज नहीं आए हैं, सिवाय जब सर्विसिंग पे एक टाइम इश्यू हुआ था कि मेरे को पता चला मेरी रियर डिस्क के जो ब्रेक हैं उसका पैड जो है वो टूट गया था। ओके, तो आई गेस उसके लिए मुझे मुश्किल से शायद 150 या 200 रुपये खर्च करने पड़े, लेकिन उसके बाद बैक टू स्क्वायर वन। मतलब ये भी अच्छी खासी राइड करते हैं, 60-70 किलोमीटर्स तो चले ही जाते हैं रेगुलर राइड्स पे, और उससे ज़्यादा भी करते हैं। तो उस हिसाब से इनकी है हीरो स्प्रिंट थ्रॉन, जो अभी बताया था उस हिसाब से थम्स अप है। अगर आप कंसीडर कर रहे हैं हीरो की बाइसाइकिल, थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, पर बता देता हूँ 15,000 के अंडर जो अभी हमारे पास बाइसाइकिल्स है वो ज़्यादातर हीरो की है, और वो भी नहीं मिल रही है। सो हीरो का एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर कर ही दिया। कितने की ली थी आपने 1 साल पहले? ये मुझे उस टाइम पे पड़ी थी 11,000 की। अच्छा, मुझे ये विद डुअल डिस्क मिली है। ठीक है, इसके साथ में जो सैडल है वो इसका कंपनी फिटेड है। ठीक है, ये दोनों मड गार्ड्स इसके साथ में थे। ओके, मुझे एक्सटर्नल करना पड़ा था बेल, वाटर होल्डर और लाइट्स। अच्छा, ये सीट भी लगी हुई आई थी? जी, वैसे सीट कवर अलग से आता है? सीट कवर अलग से लिया मैंने, सैडल जो लगा हुआ था वो स्टॉक वाला। चलो डन है, अभी वो फ्रेंड आ जाए फिर वीडियो का एंड करते हैं, उसको भी इस वीडियो में दिखा देते हैं आज। सो हम लोग अभी जा रहे हैं घर की तरफ, और ये मेरा दोस्त, गाइस ये मेरा दोस्त है, मेरे स्कूल का दोस्त है गाइस। यो,
सो ये कह रहे हैं तेरे को ड्रॉप करके आते हैं, मेरे लिए उससे अच्छी बात क्या हो सकती है, अकेले नहीं जाना पड़ेगा। और इसके पास है हीरो मॉन्क, अभी लिए इसने, आगे आइयो मंडल, अभी लिए इसने हीरो मॉन्क और इस पे अभी ये कुछ मॉडिफिकेशंस करवा रहा है, जैसे विदाउट गियर ली है तो गियर्स लगवा रहा है, पीछे वाला लगवा लिया है ना तूने? हाँ। अभी आगे वाला रह गया इसका, वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद इसके साथ पूरी वीडियो शूट करेंगे मस्त वाली। और ठंड बिल्कुल भी नहीं है जो रियलिटी है, बट अभी बादल हो चुके हैं ऊपर और थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, तेज हवा चल रही है, सो जो एक्सपीरियंस है नाइट राइड का वो बहुत मस्त हो रहा है। राइट सर, पसीने छूट रहे हैं, कम पहन के आओ। अदरवाइज मौसम आंधी सी चल रही है और हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। ये लाइट अच्छी है, इसकी बैक लाइट, पीछे लेजर लाइट भी जल रही है, देख रहे हो लाइंस, ये मस्त है, सस्ती है। इसके बाद पूरी वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे सब कुछ, अभी चलते हैं घर की साइड।